खबर समय जगत में आपका स्वागत है। मैं हर्षिता जौहरी। आई नजर डालते हैं देश प्रदेश से जुड़ी तमाम खबरों पर। ग्यारसपुर, भ्रष्टाचार के खिलाफ जनता पूछ रही है सवाल, क्या भ्रष्टाचार पर लगा पाएगा प्रशासन लगाम या यूं ही चलता रहेगा भ्रष्टाचार खुलेआम। मामला विदिशा जिले की जनपद पंचायत ग्यारसपुर के सीईओ के ओझा का है, जिनका सोशल मीडिया पर एक ऑडियो तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें जनपद पंचायत के सीईओ के ओझा स्वयं मंजूर कर रहे हैं कि मुझे रिश्वत लेने का हक है और अधिकार है, मैं रिश्वत देने और ना देने पर पंचायतों की विभिन्न शिकायतों की जांच प्रभावित कर सकता हूं और गुलरखेड़ी एवं अंबार पंचायत की जाँच में FIR दर्ज करने की फाइल को रोके रखा हूँ। सीईओ ऑडियो में बात कर रहे हैं कि रिश्वत नहीं देने पर सरपंचों, सचिवों एवं ठेकेदारों पर भारतीय दंड संहिता की धारा 420 की धमकी देते हुए सुनाई पड़ रहे हैं। निर्वाचित जनप्रतिनिधियों को भद्दी भद्दी गालियां देकर उनके मान पद प्रतिष्ठा का अपमान कर रहे हैं। सीईओ ऑडियो में सरेआम भविष्यवाणी कर रहे हैं कि गुना शिवपुरी के सांसद ने मुझे नौकरी नहीं दी, अगली बार चुनाव जीत ही नहीं सकते। तो वहीं केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्री श्रीमती स्मृति जुबैद ईरानी के विषय में भी कुछ ऐसी ही टिप्पणी करने की गुस्ताखी कर रहे हैं। सरकारी अमला एवं सरकारें कोई भी हो, सभी इस देश में भ्रष्टाचार मिटाने की बात करते हैं, परंतु सब ढांक के तीन पास साबित हो रहे हैं। भ्रष्टाचार खूब फल फूल रहा है और बाकायदा अधिकारी खुद इसको बढ़ावा देने के साथ बखान कर रहे हैं और नेताओं का खुला संरक्षण भी उन्हें प्राप्त बना हुआ है। ऐसा नहीं है कि भ्रष्टाचार उन्मूलन कानून अधिनियम ना बनाया गया हो। रंगे हाथ पकड़ने के लिए लोकायुक्त का भी गठन किया गया है, परंतु कहीं ना कहीं जनपद के सीईओ इन सब नियमों का खुला उल्लंघन कर रहे हैं, कानून का मखौल उड़ा रहे हैं। इस ऑडियो में चल रही बात से ऐसा लग रहा है कि जनपद का मुखिया ही भ्रष्टाचार में गले गले तक लिप्त है, बल्कि पूरी जनपद पंचायत के कुएं में भ्रष्टाचार की भांग घुटी पड़ी है और सब उसमें मदहोश होकर मदमस्त हो रहे हैं। जनपद पंचायत के कर्मचारी कितने साफ और पाक होंगे, इसका अंदाजा लगाया जा सकता है। जनपद पंचायत ग्यारसपुर भ्रष्टाचार का अड्डा बन गया है। विकास की योजना, जनहित की योजना, सरकार की महत्वपूर्ण योजनाओं को पलीता लगाकर, शासन के खजाने में सेंध लगाकर जनता के टैक्स का पैसा, जनता के विकास के काम का पैसा कर्मचारी अधिकारी अपनी तिजोरी को भरने में लगे हुए हैं। आप वहाँ भाई क्या बोलना चाहिए, इंद्रवास है, हम इंद्रवास आपके लिए पड़ती, उसकी अशोक कुशवास पड़ती, अशोक कुशवास चल रहा कहाँ, चल रहा इंद्रवास, चल रहा मनोरा, चल रहा कहीं पैसे ठीक है। हम आज कह रहे हैं अगर ना हो जाए 6 मई चुनाव के पहले पहले जेल ना चला जाए, मैं मुँह छटवा देना अशोक कुशवास, मतलब लगभग उसने 56-56 लाख रुपये पंचायत में निकाल लिया है। अभी वो खुद ही लोग करेंगे ना, हम नहीं करेंगे। रिकॉर्ड बताए गुरु का कौन है भाई, गुरु जन क्यों शिकायत हो रही, पैसा निकला गुरु कृपा के बिल लगे हुए हैं, पैसा निकाल कर सचिव ने हनुमंत से ले लिया, उसने घर खरीद लिया भाई। अरे तुम घर खरीद रहा भाई, और कई जगह उसने अपनी प्लॉटिंग कर रहा है, ब्याज प्लॉट हो, किसके भाई हैं, मूल भोग चूत माँ की चूत, मेरा भाई सरपंच है, एक बार दो दे गए तो हमने कहा दो दे गए तो हम गवा तब पांच कर गया। मेरा मतलब है कि शायद अभी 15 नहीं हुआ होगा, बताओ और कहीं हो, इतना ध्यान रखना। एक बार शुरू से जब तुमको सचिव कुमार तक पहुँच दिया था, फिर भाई मना के सारे आदमी एक दे गए सर, फिर दो दे गए, फिर बीच में एक दो है, हमको हमें भी पूछे, लेकिन उनको लगा हमने भाई तब पहुँच कर गए, तो कुल मिला के 15-1100 हो सकता है कि इन धोखे के लिए वही होंगे, कुल मिला के शॉर्टली है इनकी पंचायत इनके हाथों से। भ्रष्टाचार की बलि सरकारी निर्माण कार्य चढ़ रही है, जिससे गुणवत्ताहीन निर्माण कार्य क्षेत्र में किए जा रहे हैं। जनपद पंचायत ग्यारसपुर सीईओ के ओझा के ऑडियो में कबूलनामे का इतना बड़ा रिश्वत कांड होने के बावजूद भी जिले के जिम्मेदार अधिकारी मौन बैठे हुए हैं। भ्रष्ट राष्ट्र की तरह बने हुए सरकारी खजाने की रखवाली करने वाले हाथ पर हाथ रखे सब देख रहे हैं।
अब तक जनपद के सीईओ के ओझा के खिलाफ सरकार ने कई जांच या कार्यवाही करने की जहमत नहीं उठाई है, ना ही समझी। क्या जनता यह समझे कि भ्रष्टाचार में ऊपर तक लिप्त हैं, केवल दिखावा कर भ्रष्टाचार मिटाने का ऐलान कर रहे हैं? जनता पूछ रही है सवाल कि छोटे कर्मचारी यदि कोई नियम के विरुद्ध काम करते हैं तो उसकी सेवा समाप्त कर दी जाती है, सर्विस सेवा नियम के तहत कार्यवाही की जाती है, मगर जनपद के मुखिया खिलाफ अब तक कोई एक्शन क्यों नहीं लिया गया? जनता पूछती है सवाल कि जब कोई छोटा कर्मचारी रिश्वत लेते पकड़ा जाता है तो तुरंत कार्यवाही होती है, मगर जनपद के सीईओ के ओझा का ऑडियो वायरल हुए एक सप्ताह होने वाला है, मगर अब तक जिले से लेकर प्रदेश के आला अधिकारियों और प्रदेश की सरकार ने कोई एक्शन क्यों नहीं लिया? जनता यह समझे क्या? इस भ्रष्टाचार और भ्रष्टाचारी की जड़ें बहुत मजबूत हैं, इन जड़ों को कोई नहीं उखाड़ नहीं सकता। ऐसा लग रहा है कि इस भ्रष्टाचार में अधिकारियों से लेकर सरकारें सभी मिली हुई हैं। ऐसा जनता को लग रहा है क्योंकि जनपद ग्यारसपुर के सीईओ खुलेआम यह कह रहे हैं कि 26 ग्राम पंचायतों से मुझे 10,000 रुपये मिले हैं और मेरी औकात तो एक चपरासी से भी गई गुजरी हो गई है। इस ऑडियो में जनपद के सीईओ बीजेपी की केंद्रीय कैबिनेट मंत्री स्मृति ईरानी का भी जिक्र कर रहे हैं, जबकि इस केस से उनका दूर दूर तक से कोई लेना देना नहीं है। यदि अब जिले के अधिकारी एवं प्रदेश की सरकार जनपद के सीईओ के ओझा के खिलाफ जांच या कार्यवाही नहीं करते हैं तो जनता संदेश जाएगा कि सरकार खुद भ्रष्टाचार को बढ़ावा दे रही है। आला अधिकारी भी इस भ्रष्टाचार में बराबर के हिस्सेदार हैं और यह देश को अंदर ही अंदर खोखला किए जा रहे हैं और गरीब जनता दिनों दिन इस भ्रष्टाचार का शिकार हो रही है। जनता पूछ रही है सरकार से सवाल कि क्यों ना खुलेआम हर सरकारी दफ्तर में ही लिखवा दिया जाए कि इस काम की इतनी रिश्वत ली जाती है। आवेदनकर्ता, ठेकेदार, गरीब मजदूर सभी को रिश्वत देनी पड़ेगी, तब यह काम हो पाएगा। ऐसा हर सरकारी विभाग में एक सूची बनाकर ग्राम पंचायत से लेकर जनपद, जिला, प्रदेश में सूची लगवा दी जाए। गरीब मजदूर अपनी दो वक्त की रोटी में से अपना पेट काट कर उन भ्रष्ट कर्मचारियों अधिकारियों को पैसा दे सके जिनकी तिजोरी हमेशा खाली पड़ी है। सरकार इन कर्मचारियों अधिकारियों को अपने काम के मुताबिक तनख्वाह का पैसा और सुख सुविधाएं देती है, इसके बाद भी यह खुलेआम रिश्वत की मांग कर रहे हैं। क्या नाम है आपका? दिनेश कुमार सूर्यवंशी, ग्राम मोहम्मदगढ़, तहसील ग्यारसपुर, थाना। तो भ्रष्टाचार के खिलाफ जनता पूछ रही है सवाल, इसके बारे में आप क्या कहना चाहते हैं? सर, मैं ये कहना चाहता हूँ कि मतलब छोटा जो कर्मचारी है वो तो रिश्वत ले रहा है, लेकिन जब ऊपर से आदेश आता है जब तो छोटा ले रहा है। अपन छोटे की शिकायत कर रहे हैं, छोटे पे तो प्रेशर, बड़े पे भी प्रेशर डालने चाहिए सरकार का। मतलब जो बड़ा है अपन बड़े के भी शिकायत करते हैं छोटे की, लेकिन थूम थाम हो जाती, होता कुछ नहीं। जैसे कभी कृषि विभाग में चल रही है भ्रष्टाचार, किसी को दे रहे हैं ऊंची चीन के, किसी को नहीं दे रहे। मतलब SC ST वालों का जो मतलब गेहूं वितरण आया है उसमें भी सर पूरा नहीं आया। अच्छा। सरकार तो पूरा दे रही है लेकिन कर्मचारी दे कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं जो जो यहाँ के जो अधिकारी उनके ऊपर लापरवाही बरत रहे हैं, सबसे मुंह चीन कर वो दे रहे हैं। तो भ्रष्टाचार जिस प्रकार से पूरे देश के अंदर फैला हुआ, ग्यारसपुर में भी एक ऑडियो वायरल होगा जनपद सी होगा, उसके बारे में आप क्या? सर, मैं ये कहना चाहता हूँ भ्रष्टाचार सर खत्म होने चाहिए और जो भी मतलब अपनी मध्य प्रदेश का प्रभारी है उसे एक्शन लेना चाहिए। सरकार को और जिला पंचायत के जो अधिकारी हैं उनको एक्शन लेना चाहिए। आप जनता पूछ रही है सवाल, जनता से सवाल पूछ रहे हैं कि जिस प्रकार जनपद के सीईओ के ओझा के द्वारा एक ऑडियो वायरल किया गया है जिसमें वो लगातार रिश्वत की मांग कर रहा है, उसके संबंध में आप क्या कहना चाहते हैं? ये कहना चाहते हैं सरकारी विभाग जो भी है अधिकतर विभागों में बिना पैसों के तो कुछ काम होता नहीं है। जनपद हो, पंचायत हो या तहसील हो, सरकारी अस्पताल हो, आम जो गरीब जनता है उसे तो लाभ मिल ही नहीं पाता सरकार की योजनाओं का, क्योंकि वो पैसा नहीं दे पाएगा। तो जब पैसा देते हैं तभी काम हो पाता है। तो आप कोई से विभाग में भी जाइए बिना पैसों के तो कुछ नहीं होता है। तो कहीं ना कहीं आप ये देख रहे हैं जिस प्रकार से जिले से लेकर प्रदेश स्तर पर ये जानकारी पहुंच चुकी है खबरों मीडिया के माध्यम से कि सीईओ का एक आईडियो वायरल किया जा रहा है जिन्होंने खुलेआम रिश्वत की मांग करी है, तो आप शासन प्रशासन क्या उम्मीद कर देंगे? इनके ऊपर कुछ एक्शन होना चाहिए, नहीं कार्रवाई होनी चाहिए? इनके ऊपर तो तत्काल ही एक्शन होना चाहिए और सरकार को और जो बड़े आला अधिकारी है उनको एक्शन लेना चाहिए और इसकी जाँच निष्पक्ष तरीके से करना चाहिए। जो ऑडियो वायरल हुआ है उनका,
इसमें सत्यता कितनी है। यदि दोषी पाएगा तो कार्रवाई होना चाहिए और सही जांच होना चाहिए। तो सभी जनता यही चाहती है कि इस ऑडियो की जांच हो और कार्रवाई हो जांच होने के बाद। हाँ, तो हम तो यही चाहते हैं कि जो भ्रष्टाचार चल रहा है उसको खत्म होना चाहिए, आम जनता को राहत तो मिलेगी, आम जनता तक सरकार की योजनाओं का लाभ पहुँचना चाहिए। 11 जनपद में जो ऑडियो वायरल हो रहा है जनपद सी के हो जाकर रिश्वत वाला, उसके बारे में आप क्या कहना चाहते हैं? ये कहना चाहते हैं कि छोटा सा छोटा कर्मचारी होता है तो तुरंत एक्शन लेते हैं, बड़ा हो रहा है तो कुछ नहीं कर रहे। बड़े पे अभी एक्शन लेने चाहिए, एक्शन लेने चाहिए, कुछ नहीं कर रहे हैं। हर जगह यहाँ देखो वहाँ भ्रष्टाचार फैला हुआ है, पंजाब से लेके जहाँ तक चले जाओ अपन वहाँ तक भ्रष्टाचार, रिश्वत की दवा कोई काम नहीं। कि अब सीओ के हो जाती, मतलब एक ऑडियो वायरल हुआ है जिसमें रिश्वत हो रही साफ साफ, मतलब हफ्तों में नज़र आ रही है, और कहीं भी ले लो आप। खबर समय जगत के लिए जिला विदिशा तहसील ग्यारसपुर से कैमरामैन सीताराम कुशवाहा के साथ प्रेम नारायण सूर्यवंशी। खबर समय जगत, एक संदेश पूरा देश, एक आगाज स्वच्छ दिखाने का, हम हैं आपकी आवाज़।